भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए पहले ओडीआई मैच में भारत को 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पहले ओडीआई में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वैसे तो साउथ अफ्रीका की शुरुआत ज्यादा कुछ खास नहीं रही। उनका पहला विकेट 19 रन पे गिरा, दूसरा विकेट 58 रन पे और तीसरा विकेट 68 रन पे गिर चुका था। लेकिन फिर पारी को संभाला कप्तान बौमा और वेडी डुसेन ने। दोनों ने मिलकर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, जहां पे टीम का स्कोर 68 रन पर 3 विकेट हो गया था। वहीं वह दोनों इस टीम के टोटल को 296 रनों तक ले गए और दोनों ने अपने शतक पूरे करे। आपको बता दें कप्तान बौमा ने 143 गेंदों पर शानदार 110 रनों की पारी खेली। वहीं वेडी डुसेन ने 96 गेंदों पर 129 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और आखिरी तक नॉट आउट रहे। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 296 रन। लक्ष्य का पीछा करने वाली भारतीय टीम की शुरुआत भी ज़्यादा कुछ खास नहीं रही। 46 रनों पर केएल राहुल का विकेट गिरा। उसके बाद शिखर धवन और विराट कोहली ने पारी को संभालने की कोशिश करी। शिखर धवन ने शानदार 79 रनों की पारी खेली और विराट कोहली ने भी शानदार 51 रनों की पारी खेली। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और यह मैच टीम इंडिया 31 रनों से हार गई। लेकिन मैच के आखिर में शार्दुल ठाकुर ने शानदार अर्धशतक लगाया 43 गेंदों पर, लेकिन वह किसी काम का नहीं रहा क्योंकि उन्हें किसी भी दूसरे बल्लेबाजों का कुछ साथ नहीं मिला। तो अब साउथ अफ्रीका 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 1-0 से आगे हो चुका है। तो आपको क्या लगता है यह सीरीज कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।